ओम। आज का प्रातः क्लास है 15:08:63। रिकॉर्ड चला है, कौन आया है मेरे मन के द्वारे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये बाप है, रावण पर जीत पहलाने वाला है, इनको कहते हैं सर्वशक्तिमान पारलौकिक परमपिता परमात्मा। ये भारतवासी जानते हैं हमारा नंबर वन पुराना दुश्मन कौन है। भारतवासी भी जानते हैं और तुम भी जानते हो ना, ये पांच विकार रूपी रावण, ये है पुराने थे पुराना दुश्मन। सो भी कब से दुश्मन बना है, क्या सृष्टि के आदि से ही दुश्मन है या पीछे दुश्मन बना है। ये दुश्मन बना है मनुष्यों का, सत्युग त्रेता में तो दुश्मन होते ही नहीं। क्यों नहीं होते हैं, वहाँ सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं। एक बाप की संतान, आत्मा आत्मा भाई भाई, इसलिए दुश्मन की कोई बात ही नहीं। परंतु ये बातें दुनिया नहीं जानती है, अभी दशहरा आवेगा, इसकी यादगार है। दस शीशों के हरण की यादगार है, ये दस शीश इनको क्यों जलाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, ये देह दुश्मन है ना, देह को जलाते हैं ना, तो ये दशहरा कौन है। ये दस प्रकार के देहधारी हैं, वो एक बाप है और ये दस बाप हैं, दस धर्मों के। एक बाप के बच्चे भाई भाई दुश्मन कैसे होंगे। यहाँ तो कितने बाप हैं, दस धर्मों के दस बाप हैं। कहते हैं ये रावण को जलाने का परंपरा से रिवाज चला आया है। परंतु उनको ये पता नहीं है ये रावण कौन है,
2,500 वर्ष के अंदर ही ये धर्म पिताएं आए हैं। ये देहधारी धर्म पिताएं हैं। आत्माभिमानी बाप तो एक ही है, और जलाता कौन है? आत्माभिमानी रावण को जलाते हैं या देहाभिमानी रावण को जलाते हैं? रावण ही बैठे रावण को जलाते हैं। उन्होंने रामलीला में दिखाया है, राम रावण को जलाते हैं। एक और रावण की, राम की पूजा करते हैं और दूसरी ओर दिखाते हैं कि राम ने रावण को जलाया। अब दशहरा आवेगा तो इस बात पर समझाना है, टॉपिक बनानी है, मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है? हैं? देह अभिमान कौन है? रावण के तो 10 शीश दिखाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश प्रकृति के 5 तत्व और माया की 5 विकार, 10 मिलकर के रावण का रूप बनते हैं। इन 10ों की पैदाइश कहां से होती है? काहे से होती है? उदय अभिमान कौन है? कौन है दे अभिमान? अरे रावण का चित्र बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? चित्र में कितने सिर दिखाते हैं? 10 सिर दिखाते हैं। उन 10 सिरों का कोई बाप नहीं है क्या? है? कौन है? 10 सिरों का बाप दिखाते हैं। ऊपर में गधे का रूप दिखाया है, कहते हैं ना तुम तो गधा हो, जिसकी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या कहते हैं? तुम तो गधा हो। नहीं तो जानवर भी अपने बाप को पहचानते हैं। जानवर अपने बाप को पहचानते हैं या नहीं? पहचानते हैं। और गधा? तो गधा बुद्धि को गधा बोला है, और रावण के सिर पर गधा दिखाते हैं। चित्र बनाया हुआ है ना, चित्र किसकी यादगार होती है? तो ऐसा चरित्र किसने बजाया जो अपने बाप को भी नहीं जानता? जितने भी देहधारी धर्म गुरु हुए, धर्म पिताएं हुए,
वो कहाँ से आए, कब से आए? द्वापर से आए। जो भी द्वापर से आए हैं, तो शूटिंग तो कहीं न कहीं हुई होगी कि नहीं हुई होगी? कब हुई? संगम युग में भी पहले पहले कब हुई? ये तो बच्चे जानते हैं कि आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। तो यज्ञ के आदि में भी शूटिंग कब हुई? है? पहले जो 10 साल हैं, 36 से लेकर 47 तक, 46-47, वो शूटिंग का मूल फाउंडेशन है, जिसमें यज्ञ में फाउंडेशन पड़ता है। आधे वर्ष रामराज्य और आधे वर्ष रावण राज्य। कब से कब तक? 36 से लेकर 47, 48, 49, 50 है, 36 से लेकर 37, 38, 39, 40, 41 ये है रावण राज, राम राज, और बाकी रावण राज। राम राज्य में एक बाप का शासन चलता है, भगवान भगवती का शासन चलता है, और रावण राज्य में अनेक गुरुओं का राज्य चलता है। वो जो गुरु आते हैं द्वापर से, या जो भी धर्म पिताएं आते हैं, तो बाबा पूछते हैं मुरली में, ब्रह्मा का बाप कौन? अरे ब्रह्मा का भी कोई बाप है या नहीं है? ब्रह्मा की गोद में तो सब धर्म पिताएं पले, शास्त्रों में दिखाते हैं, कितने भी राक्षस हुए उनको वरदान किससे मिले? ब्रह्मा से वरदान मिले। लेकिन ब्रह्मा को देने वाला कौन? तो सारी सृष्टि का बाप एक है, इसलिए बोला कि रावण ही रावण को बैठ जलाते हैं। तो टॉपिक बनानी है कि बड़े थे बड़ा और पुराने थे पुराना दुश्मन कौन है? कौन है? है? बड़े थे बड़ा और पुराने थे पुराना दुश्मन कौन है? और बड़े थे बड़ा पुराने थे पुराना दोस्त कौन है? शिव बाबा है दोस्त। और दुश्मन कौन है? अरे कौन है? रावण के दोस्त 10 शीश दिखाए हैं, फिर गधा दिखाया है 1 शीश, फिर आखिरीन कौन है? है ब्रह्मा है। अच्छी तरह से पकड़ लिया। ब्रह्मा का भी कोई बाप है कि नहीं है? कौन है? राम बाप है ना, राम ही रावण बनता है ना। तो मूल में
शिव बाप है दोस्त। राम सो जो रावण बनता है वो ही मूल में क्या है, पुराने से पुराना दुश्मन। द्वापर युग से भारतवासियों का दुश्मन कौन बना? बाबा पूछते हैं रावण कौन, जवाब भी देते हैं ये गुरु लोग। तो भारतवासियों के जो भी गुरु लोग हुए उनमें पुराने से पुराना गुरु कौन है, है विक्रमादित्य, तो राजा हुआ व्यास। ये शास्त्र किसने लिखे? व्यास ने लिखे। और शास्त्रों के कारण ही भारत की दुर्गति हुई। तो टॉपिक बनानी है मनुष्यों का बड़े से बड़ा दुश्मन कौन, कौन कहेंगे? जो मनुष्यों का बड़े से बड़ा दुश्मन वो बड़े से बड़ा बाप भी है। मनुष्यों का बाप कौन? और है भी पुराना। जलाते आते हैं परंतु जलता ही नहीं। क्यों नहीं जल मरता है, है? क्योंकि जलाने वाले मनुष्य खुद ही रावण है। तो किसको जलाना चाहिए फिर, है? सभी में पांच विकार प्रवेश हैं। जब तक ये रावण अथवा आसुरी संप्रदाय खुद न जले तब तक वो रावण भी खत्म नहीं हो सकता। सबको मार के मरेगा। तो बताओ ये आसुरी संप्रदाय जलेगी कैसे, कैसे जलेगी? पंद्रह आठ तिरसठ की वाणी का दूसरा पेज। तब जलेगी जब सारे भंभोर को आग लगे। और आग तब लगती है जब महाभारत लड़ाई होती है। तब लगती है और लगा लड़ाई जब लगती है तो आग लगती है। रावण संप्रदाय अपने को रावण न समझ, सिर्फ बुत बनाए हर साल बैठ जलाते हैं। अपने को नहीं समझते जलाने वाले क्या करते हैं, सिर्फ बुत बनाते हैं और जलाते हैं। इससे साबित होता है कि अपन को रावण नहीं समझते। ये बातें तुम बच्चों में भी कोई समझते हैं कि अभी इस पांच विकारों रूपी रावण को भगाना है, उन विकारों में भी पहले पहले है मुख्य काम विकार। जिसने बिल्कुल ही काला कर दिया है
बाप भी कहते हैं। जो भी रावण संप्रदाय हैं, उनमें मुख्य कौन है? जो पहले पहले मरते हैं, है? पहले पहले कौन मरेंगे? इस्लामी। अब बताओ, इस भारत को काला किसने किया? भारत गोरा था, फिर कब से काला बना? द्वापर से काला बना। तो किसने काला किया? द्वापर से क्या खास बात हो गई? सतयुग त्रेता में कामना नहीं थी क्या? कामना तो थी, परंतु वहां व्यभिचार नहीं था। अद्वैतवादी युग द्वापर से व्यभिचार शुरू होता है। कौन सा धर्म निमित्त बनता है? इस्लाम। इस्लाम धर्म निमित्त बनता है खास। तो कहेंगे माया रावण ने भारत को काला कर दिया। रावण के साथ किसका नाम लगा दिया? माया। काम विकार, क्रोध विकार, रावण के पांच मुख है ना। तो कहेंगे इस दुनिया का हरेक मनुष्य मात्र रावण है। अब कौन किसकी तरफ उंगली उठाएगा? जब तक पांच विकार प्रवेश हैं, तब तक अपन को राम का बच्चा राम कह न सके। राम किसे कहा जाता है? जो सारी दुनिया को प्रसन्न रखने वाला है। प्रहलाद भी नाम रख दिया है, आह्लाद माने खुशी देने वाला है, राम का बच्चा। राम के बच्चे आत्माएं हैं। तो अब हरेक की आत्मा जैसे रावण है, क्योंकि पांच विकारों की प्रवेशता है, तो अब बच्चों को पहले तो ये समझाना है कि भारत का बहुत पुराना दुश्मन रावण है, और ये रावण जलता ही नहीं है। क्यों नहीं जलता है? सब बड़ा जला है। हाँ, नहीं जलता है। इसका कारण अभी बताया कि खुद ही रावण है। खुद आत्माभिमानी बने हैं 100%, तो रावण भी जल जाए। तो हरेक मनुष्य मात्र पुरुष और स्त्री दोनों रावण। अगर पुरुष रावण है तो रावण की स्त्री कौन थी? है? नाम रख दिया है मंदोदरी। शास्त्रों में जो भी नाम रखे हैं, किस आधार पर रखे हैं? काम के आधार पर नाम रखे हैं। तो क्या काम किया?
उधर माने पेट, बुद्धि को भी पेट कहते हैं। आत्मा का पेट क्या है? बुद्धि। तो मंद बुद्धि रूपी मंदोदरी ने क्या किया जो मंदोदरी नाम पड़ा? है? आपको जानता नहीं, रावण तो विकारी था, विविचारी था, मंदोदरी विविचारी थी क्या? थी नहीं? किस बात में मंद बुद्धि थी? समझाती थी, जानती नहीं थी, जानते हुए नहीं। रावण को समझाती थी कि ये राम भगवान है, तो जानती थी या नहीं जानती थी? जैसे रावण जानता था ये राम भगवान है, वैसे मंदोदरी भी जानती थी ये राम भगवान है, परंतु फिर भी साथ किसका देती थी? रावण का साथ देती थी। तो मां मंदोदरी नाम पड़ गया। तो मेल हुआ रावण, फिर उसकी स्त्री मंदोदरी। तो कहेंगे हरेक रावण और मंदोदरी का रूप है। हरेक माने कौन? पुरुष है रावण का रूप और स्त्रियां हैं मंदोदरी का रूप। एक दो को दुख देते ही रहते हैं, तो उनको डेविल्स कहेंगे ना? ये आसुरी संप्रदाय है, पांच विकार हैं, इसलिए बंदर बंदरी, रावण रावणी नाम दे दिया। जब तक ये आसुरी संप्रदाय खत्म नहीं हुई है, तो भगवान भगवती नाम कैसे देवे? सत्युग में तो रावण को कब जलाते नहीं है। इस समय भगवान आकर रावण रावणी को भगवान भगवती बनाते हैं। राम अक्षर रहने से फिर त्रेता की तरफ चले जाते हैं। वास्तव में हम सभी अक्षर नहीं दे सकते, तो इस टॉपिक पर लिखना है रावण है भारत का पुराना दुश्मन। हरेक मनुष्य मात्र रावण रावणी है, खुद ही रावण है, तो रावण को जलाए कैसे सकते? तुम कहेंगे रावण राज्य को शुरू हुए 2500 वर्ष हुए, तुम क्यों कह दिया? तुम कहेंगे रावण राज्य को शुरू हुए 2500 वर्ष हुए, तुम क्यों कह दिया? 2500 वर्ष हुए,
इससे पहले तो नहीं था, है? था नहीं था, है? मर्ज था। अच्छा, मर्ज होने से पहले नहीं था? मर्ज कब हुआ? सतयुग त्रेता में मर्ज हुआ, तो सतयुग से पहले नहीं था। सतयुग से ठीक पहले कौन सा युग था? तो संगम युग में था ना। इसका मतलब राम होते हैं तो रावण भी होते हैं, स्थापना होती है तो स्थापना के साथ साथ विनाश भी होता है। अब ऐसे रावण को भगावे कैसे, और कौन भगावे? जो 2500 वर्ष तक दुख का नाम निशान कलाश हो जावे, 2500 वर्ष तक कोई भी प्रकार का विनाश न हो सके, सो तो भगवान के सिवाय कोई भगा नहीं सके। इसलिए रावण रूपी भक्त माथा मारती रहते और भक्त ही जलाते हैं। भक्त रावण को जलाते हैं, राम नहीं जलाते हैं? नहीं, ज्ञानी जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? जलाते हैं। ज्ञानी भी रावण को जलाते हैं? बड़े बड़े राजे, रजवाड़े रावण को जलाने में पार्ट लेते, तो बड़े से बड़े रावण कौन है? कौन है? बड़े से बड़े रावण हैं जो बाजारी बैल हैं। क्या होता है बाजारी बैल? कौन होता है? नंदीगढ़ होता है, जानवर ही होता है, मनुष्य नहीं होते हैं? बाजारी बैल की तरफ कहा तो इशारा किसकी तरफ किया? राम की तरफ। राजा राम की तरफ इशारा नहीं किया। बाजारी बैल कहा जाता है जो वैश्यालयों में जाकर के पैसे नोट खर्च करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं? बाजारी बैल। बाजारी बैल हैं, वैश्याएं फिर अजामिली है। क्या बोला उनका नाम? अजामिली माने अजा किसको कहते हैं? बकरी को। मेली माने मिल गई, किससे मिल गई? मैं ही सब कुछ हूँ, मैं दुनिया को संभालने वाली हूँ, मैं सजाने वाली हूँ। तो वैश्याएं फिर अजामिल ही कहेंगे। फिर अजामिल कौन है? अजामिली उनका नाम रख दिया स्त्रियों का, और अजामिल कौन है? जो भी पुरुष हैं वो तो क्या हो गए? बकरी से मिल गए,
अजामिल कहा ही उनको जाता है। जो बहुत व्यभिचारी बनता है, बहुत पापी बनता है, तो बच्चे जानते हैं इस भारत को ही वैश्यालय कहा जाता है, जहां वैश्याएं और लंपट रहते हैं। भगवान बैठ समझाते हैं इस भारत को वैश्यालय बनाया है रावण दुश्मन ने, बड़े ते बड़ा दुश्मन ये रावण है। तो जो भी हिंदू कहलाते हैं उनका नाम ही रामंदोदरी और रावण है। और कोई को हम कह ही नहीं सकते, गाते भी हैं राम गयो रावण गयो। अभी राम आकर के रावण और मंदोदरियों को स्वच्छ बनाते हैं, पतित दुनिया को रावण की दुनिया कहा जाता है। पांच विकार पुरुष के, पांच विकार स्त्री के, रावण को भुजाएं भी बहुत देते हैं, दस शीस देते हैं, जैसे विष्णु को चार भुजाएं देते हैं, परंतु अंतर क्या है? सर तो एक ही है, किसको? विष्णु को। और भुजाएं? भुजाएं चार हैं, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है कि सर एक है, चलाने वाला एक है, और प्रैक्टिकल में कार्य करने वाली भुजाएं, सहयोगी भुजाएं अनेक हैं, लेकिन चलाने वाले अनेक हो जाएं, पंचायती राज्य में क्या होता है? चलाने वाले पांच पंच, चलाने वाली अनेक भुजाएं तो होती हैं, लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला एक सिर नहीं होता, अनेक सिर दिखाते हैं। तो रावण को फिर दस भुजा क्यों नहीं दिखाते? दस शीश वाला दिखाते हैं, लेकिन भुजाएं फिर बीस भुजाएं दिखाते हैं, माना भुजाएं द्वैतवादी हुई कि अद्वैतवादी हुई? द्वैतवादी हो गई। अभी तुम जानते हो हम तुम सभी रावण थे, ये किसने बोला है? अभी तुम जानते हो हम तुम सभी रावण थे, ये किसने बोला है? ब्रह्मा बाबा बीच में इंटरफियर करके बोल दिया, शिव बाबा चुप होके बैठ गए। शिव बाबा थोड़े कहेंगे हम रावण थे। अभी तक भी रावण के चंबे से पूरे निकले हुए नहीं हैं। इन पर जीत पाने में बहुत टाइम चाहिए। बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, बाबा अब हम और कोई को याद नहीं करेंगे, आपको ही याद करेंगे। फिर भी मनसा में संकल्पों का बहुत ही तूफान आता है। बाप तो कहते हैं तूफान लगेगा, परंतु तुमको महावीर
हनुमान मिसल बनना चाहिए। क्या किया महावीर ने? रावण की सभा में बुद्ध रूपी पांव टिकाई दिया, चैलेंज दे दिया। हा रावण, तेरी सभा में कोई भी हो पहलवान तो मेरी बुद्धि को आके हिला के दिखाए। तो महावीर बनना चाहिए, ऐसा महावीर बनना चाहिए जो कोई भी विकार हिलाए न सके। कोई भी विकार ने अगर हिलाए दिया तो गोया सीता ने राम की आबरू गंवाई। हरेक विकार को पूरा निकालना है। जो उन विकारों का तूफान अवस्था को न हिलाए, और बहुत खबरदार रहना है। ऐसे कोई न समझे कि हमारे में पांच विकार प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नहीं, रावण किसी को छोड़ता नहीं है। बाबा भी बतलाते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं विचार सागर मंथन करें, बाबा को याद करें, परंतु माया का तूफान जितना मेरे नजदीक आता है उतना और कोई के पास नहीं आता है। क्यों है इसका कारण क्या है? क्या हिसाब किताब है? जन्मों का हिसाब किताब कौन से बाबा बतलाते हैं कि कितना प्रयत्न करते हैं विचार सागर मंथन करें, बाबा को याद करें, परंतु माया का तूफान जितना मेरे पास आता है इतना और कोई के पास नहीं आता। ऐसे क्यों कहा कि मेरे पास आता है? हैं? मेरे पास जितना आता है उतना और कोई के पास नहीं आता है। कोई की ताकत नहीं जो कहे हम महावीर बन चुके हैं। बाप कहते हैं जितना पहलवान बनेंगे इतना और ही माया सामने आवेगी। बाबा, हाँ, कोई कहता है माया सामने आई, लेकिन तुझे पिता ने तो उसके ऊपर विजय पाई ना है? तुझे पिता ने उसके ऊपर विजय पाई, विजय पाई, महावीर बन गया। भागा भागा क्यों खेलता है? वो तो सेवा कर रही है, वो तो सेवा के लिए झूठ बोलते। शंकर भागा भागा फिरता था भस्मासुर के डर से, तो सेवा के लिए भागा भागा फिरता था। कौन सी सेवा की इसमें? ऐश्वर्य सेवा। क्या सेवा हुई? कितने कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान गाउड़े गाउड़े में मारे मारे फिरे, कंस के डर से भागे भागे फिरे, एक गांव छोड़ा दूसरे गांव का, दूसरा गांव छोड़ा तीसरे गांव। लेकिन आखिर तो विजय हो गए ना। राम के लिए दिखाते हैं जंगलों में मारे मारे फिरे, तो कोई की ताकत नहीं है जो कहे कि हम महावीर बन चुके हैं। बाप कहते हैं जितना पहलवान बनेंगे उतना और ही माया
सामने आ गई और नए नए चिकने चिकने और चिपड़े रूप सामने आते रहे। तो ये कौन है? माया कहेगी अंदर अंदर सोचेगी ये कौन है जो फिर मेरे ऊपर भी जीत पहनना चाहता है। कौन कहेगी? माया कहेगी ये कौन है जो मेरे ऊपर भी जीत पहनना चाहता है। दिल्ली में पांच विकारों का ड्रामा दिखलाते हैं ना, तो बड़ी मेहनत है। एक भी विकार ठंडा नहीं हो सकता है, एक भी विकार ठंडा नहीं हो सकता है जब तक अंत ना आ जाए। क्या है? अंत में लड़ाई करना ही, जब तक अंत ना आ जाए तब तक एक भी विकार ठंडा नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? सामना करने के लिए मैंने अभी अवेरेडी नहीं है, अभी एवरेडी इसलिए तो बोल रहा हूँ। हो गए एवरेडी इसलिए तो बोल रहा हूँ, अवेरेडी नहीं है तो हो जाए। एवरेडी है इसलिए बोल रहा हूँ। अवेरेडी है कि नहीं है? है, अवेरेडी है तो फिर अंत हो गया। अच्छा, जब तक अंत ना आ जाए तो अंत कब आएगा? है होगा तो फिर अति करना शुरू कर दो। डरते काहे के लिए? तो बाबा के हाथ में। पंद्रह आठ 63 की वाणी का तीसरा पेज। तो पहले तो देही अभिमानी होना पड़े, अंत लाने के लिए क्या करना पड़े? है देही अभिमानी होना पड़े तब ताकत आएगी। क्या ऐसे महावीर पना नहीं करना कि अभी से ही अति करना शुरू कर दे, विकारों की अति कर दे तो अंत हो जाएगा। तो फिर अपना चार्ट भी देखना है, कितना समय मैं योग में रहता हूँ, तब कह सके कि पांच विकारों में यह विकार हमने जीत लिया। बाबा ने समझाया है इन विकारों से बड़ी भारी चोट लगती है। क्या है? कैसे चोट लगती है? इन विकारों से बड़ी भारी चोट लगती है। कब? अगर हरा लिया तो। जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, महावीर बनेंगे, उतना ही जोर से फिर माया जरूर परीक्षा लेगी। डर पाए देते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लावेगी, देखती है ये अपन को अच्छा पहलवान समझता है तो उन पर अच्छी रीति घूसे चलाती है, तूफान बरसाती है। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना, झूठे घमंड में नहीं आना कि हमारे पास तो अब कोई विकार नहीं रहा, क्योंकि
थोड़ा भी विकारों पर जीत पहनना शुरू करते तो पहले पहले तो अशुद्ध अहंकार आता है। क्या आता है? अशुद्ध अहंकार आता है। निरंतर हम सोल का नशा रहे, हम आत्मा है ये नशा रहे, तो ये अवस्था अंत में आनी है। अभी अपन को परिपूर्ण नहीं समझना है, परिपूर्ण नहीं, क्योंकि आगे चलकर के तूफान बहुत आने वाले हैं। है? अभी तक तो आए नहीं बहुत है? अब आगे कब होगा? अभी तक फाइनल पेपर हुआ है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। बाप को अच्छी रीति याद करना है तो बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। सिमर सिमर क्या होता है? है? सिमरण करना, सिमरण करना माने स्मरण करना, स्मरण करना माने याद करना। मनुष्य तो राम राम कहते रहते हैं, उसको सिमरण कहते हैं। सिमरण है, स्मरण मन से किया जाता है या मुख से किया जाता है? मन से स्मरण किया जाता है। तो तुम भी मन बुद्धि से बाबा को याद करो, मुख से बाबा बाबा रटना नहीं है। ये सूक्ष्म माजापा जाप हो गया, जैसे मूवी होता है ना, तीन बातें हैं, साइलेंस, मूवी और टाकी। यहाँ तो तुमको चुप रहना है क्योंकि तुमको जाना है मूल वतन। बस हम चुप होकर के याद में बैठे और अंदर में एक शिव को ही याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका शिव बाबा के साथ यथार्थ रीति योग हो। अच्छा क्या ये सही बात है? हैं? सही नहीं है? सही है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका शिव बाबा के साथ यथा अर्थ योग हो। उस समय शिव बाबा की याद की तौर तरीका सबको पता था, है? पहचान थी, पहचान ही पूरी नहीं थी। तो उस समय की बात है, किस समय की? 63 तक की बात है कि कोई भी मनुष्य नहीं जिसका शिव बाबा के साथ यथार्थ रीति योग हो। ऐसे तो भल शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, शिव का चित्र है, परंतु जो चित्र है वो कोई है थोड़े ही। कौन सा चित्र है? है? लिंग का चित्र है। बेसिक में भी लिंग का चित्र बनाते थे ना, 32 किरणों वाला, परंतु वो कोई है थोड़े ही। चित्र तो छोटा बनाना पड़ता है, बाकी वो तो एक स्टार अनुसार है। अखंड ज्योति उसकी रहने का स्थान तत्व है। मनुष्य फिर समझते हैं अखंड ज्योति ज्योति, अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है। तो अखंड ज्योति जिसका कोई खंडन न कर सके, परमात्मा नहीं है तो फिर कौन है?
क्योंकि सन्यासी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं तो समझते हैं कि परमात्मा लाइट ही लाइट है। हद के सन्यासियों की बात बताई या वेद के सन्यासियों की भी बात बताई? वेद के सन्यासी कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी वेद के सन्यासी है। वो किसका साक्षात्कार करते हैं? है? ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करते हैं। किसका साक्षात्कार करते हैं? ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करते हैं। और ब्रह्मा बाबा में कौन रहता है? शिव। शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा का शरीर क्या हो गया? लाइट माइट हो गया। समझते हैं बस यही भगवान है। उन वेद के सन्यासियों ने, हद के सन्यासियों ने इसको भगवान मान लिया। हद के सन्यासियों ने ब्रह्म महत तत्व को भगवान मान लिया और वेद के सन्यासियों ने ब्रह्मा बाबा को भगवान मान लिया। परंतु तुम तो जानते हो कि जैसे आत्मा सितारे अनुसार है वैसे ही आत्माओं का बाप भी स्टार है। तो अब तुम 32 किरणों वाला जो लिंग का चित्र बनाते हैं भगवान का, उसे भगवान कहेंगे? नहीं। फिर क्या भगवान है? साकार। अरे साकार में वो लाइट का जो गोला रखा है 32 किरणों वाला, वो साकार की यादगार नहीं है? यादगार तो है, लेकिन वो ही साकार की यादगार है, वो ही महत्तत्व है। जैसे ब्रह्मा का शरीर ब्रह्म महत्तत्व है जिसमें शिव बाप रहते हैं, ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर भी क्या है? ब्रह्म तत्व है। लाइट कोई स्थूल लाइट की बात नहीं है। कौन सी लाइट की बात है? ज्ञान की लाइट की बात है। उसमें ऐसी ज्ञान की लाइट है कि दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र उस अखंड ज्योति का खंडन नहीं कर सकता। तो शिवलिंग भी इतना बड़ा दिखलाने के लिए बनाया है। क्या बड़ा दिखलाने के लिए बनाया है? कि वो अखंड ज्योति है, उस ज्ञान की ज्योति का दुनिया में कोई भी खंडन नहीं कर सकता। चाहे कोई बड़े से बड़ा धर्म पिता, महात्मा, और कोई भी योगी, कोई भी आए, वो भी है तो जैसे छोटी आत्मा। कौन है? कौन है छोटी आत्मा? अरे शिव है। ब्रह्मा तो महत्तत्व तो हो गया ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ब्रह्मा ही सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया, और सारी मनुष्य सृष्टि के लिए नहीं, प्रजापिता दुनिया का बड़े से बड़ा ज्ञानी हो गया, ज्ञान की ज्योति वाला हो गया। इसलिए शिवलिंग को इतना बड़ा दिखाई दिया है, परंतु शिव तो छोटा सा स्टार है। जो कहते भी हैं मेरी आत्मा का नाम तो शिव है, परंतु मैं स्टार हूँ, मेरे स्टार का ही नाम शिव रख दिया। ओम शांति। Thank you.